दोस्तों आज भी लेके आ गए हमारे आज की टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स को। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के सबसे पहले अपडेट से, और दोस्तों बता दूं वन प्लस 10 प्रो दोस्तों ये जो है कल चाइना में लॉन्च होने वाला है, यानी कि 11th of January को। और दोस्तों आज जो है इसका फ्रंट निकल के सामने आ चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैं पिक लगा देता हूँ। वैसे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इसका फ्रंट सामने निकल गया है, पर आपको बता दूं ये आप नीचे देख सकते हो, नीचे भी वन प्लस 10 प्रो ही पड़ा है और वो बैक साइड है। तो दोस्तों क्लियर हो चुका है इसका डिजाइन फ्रंट से और बैक से। और दोस्तों अगला अपडेट निकल गया रियलमी 9i की तरफ से। दोस्तों ये फोन जो है रजिस्टर हो चुका है रियलमी इंडिया साइट के ऊपर, बेसिकली दोस्तों वहां पर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये फोन जो है जल्दी ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। वैसे दोस्तों बता दूं सिरम जो मलेशिया की साइट है उसके ऊपर भी इसका सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और साथ में ये वियतनाम के अंदर लॉन्च होने वाला है दोस्तों फोन आज ही, तो शायद हो भी गया होगा। और दोस्तों इंडिया के अंदर भी ये जल्दी आने वाला है, देखते हैं दोस्तों वैसे स्पेसिफिकेशन जो है आज या फिर कल सुबह तक क्लियर हो जाएगी। और फाइनली दोस्तों आज मोटो की तरफ से G71 5G फोन दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और दोस्तों इसका प्राइस निकल गया है 18999 का। दोस्तों बहुत सही प्राइस निकल गया है, जिस हिसाब से हमें लग रहा था यूरोप में इसका प्राइस 25,200 के करीब आ रहा था, तो यहाँ पे बहुत सही प्राइस आया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 मिल जाता है दोस्तों, तो 695 है 5G प्रोसेसर है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यही इसकी डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको 6.4 इंच की एक दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD प्लस। और दोस्तों जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो 20:9 है, और ये सपोर्ट करता है दोस्तों 60Hz रिफ्रेश रेट को। और दोस्तों सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, इसके अंदर आपको 6GB की रैम भी मिल जाती है, और साथ में बता दूं दोस्तों इसके अंदर आपको जो कैमरा सेटअप मिलता है 50MP का प्राइमरी, 8MP का आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और 2MP का एक मैक्रो शॉट के लिए कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट में आपको 16MP का मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फोन ओवरऑल सही लग रहा है दिखने में। वैसे बता दूं इसका जो रैम वेरियंट आता है वो 128GB का पहला ही आता है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड 11 और 5000mAh की बैटरी और 33W का एक फास्ट चार्जर। तो दोस्तों फोन ओवरऑल बहुत सही है। अब दोस्तों ये सेल पे जाने वाला है जल्दी ही, तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं इसे फ्लिपकार्ट के ऊपर खरीद पाएंगे। और दोस्तों बता दूं Xiaomi 11T Pro दोस्तों ये जो है सेट हो चुका है 19th of January को लॉन्च होने के लिए इंडिया में। दोस्तों कंपनी ने कहा था कि ये जल्दी आने वाला है, तो दोस्तों 19th of January को ये लॉन्च हो जाएगा। अब दोस्तों बता दूं ये फोन जो है काफी जबरदस्त आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाली है 888 प्रोसेसर। तो दोस्तों Qualcomm Snapdragon 888 हम सब जानते हैं, फ्लैगशिप एकदम आपको मिलेगी इसके अंदर परफॉर्मेंस। और दोस्तों यही बात करूं मैं इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो है वो काफी जबरदस्त होने वाली है, 6.67 इंच की एक 10 बिट वाली एमोलेड डिस्प्ले। तो दोस्तों काफी ज्यादा ब्राइट कलर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर आपको 6GB रैम का वेरिएंट शायद ना मिले, इसके अंदर 8GB और एक 12GB वाले दो रैम वेरियंट आ सकते हैं। और दोस्तों कहा जा रहा है स्टोरेज वेरियंट भी दो तरह के होंगे, 128GB और 256GB का, तो सही है दोस्तों। और दोस्तों यही बात करूं मैं इसकी बैटरी की, तो कहा जा रहा है 4500mAh तक की बैटरी इसकी आ सकती है, और फास्ट चार्जर तो दोस्तों 120W का ही आएगा, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कंपनी की तरफ से पहले ही। दोस्तों काफी सही फोन है, अब देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली और क्या कुछ ऐड होके आता है या फिर यही स्पेसिफिकेशन रहती है। और दोस्तों आज फाइनली सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों आपको बता दूं कल यानी कि 11th of January को ये सेल पे भी जाने वाला है, तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं इसे कल ले पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, दोस्तों सेम निकल के आई है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर जो है वो चेंज हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर आया है Exynos 2100 जो कि एक्सपेक्टेड था कि इंडिया में वही आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो 6.4 इंच की एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों 2x वाली, तो काफी जबरदस्त डिस्प्ले है दोस्तों। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा इसके अंदर आपको, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। और दोस्तों यही जो फोन है ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ में प्रोटेक्टेड भी है, तो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन भी दी गई है क्योंकि विक्टस सच में काफी स्ट्रांग होता है। अब दोस्तों यही बात करूं इसके रैम रोम की, तो रैम आई है 8GB की LPDDR5। और दोस्तों यहीं पर आपको बता दूं रोम इसकी आती है 128GB की। दोस्तों इसका प्राइस स्टार्ट होता है 54999 से, तो पहला वेरियंट आपको 8GB 128GB का मिलेगा 54999 का। और दोस्तों यहीं अगर हम बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो फ्रंट में 32MP का मिल जाता है, और रियर साइड में 12MP का प्राइमरी, 12MP का अल्ट्रा वाइड, और एक 8MP का टेलीफोटो शूटर, तो टेलीफोटो कैमरा भी इसके अंदर ऐड किया गया है। और दोस्तों मैं कहूंगा कैमरा सेटअप जो है वो सच में सही है, क्योंकि कोई 1-2MP का नहीं डाला गया इन्होंने सीधा, तो सही सही कैमरे डाले हैं, तो काफी सही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसके अंदर। और दोस्तों लॉगिटेक की तरफ से उनके G435 दोस्तों ये हेडसेट है,
उन्होंने लॉन्च कर दिया है गेमिंग हेडसेट दोस्तों। दोस्तों ये वायरलेस है और इनकी बैटरी आपको बैकअप मिल जाएगा 18 आवर्स का। दोस्तों सही है, एक हेडसेट है बड़े वाले। तो यही मैं बात करूंगी प्राइस की, तो ये लिस्ट हो चुके हैं दोस्तों अमेजोन के ऊपर और इनकी लॉगिटेक की खुद की साइट के ऊपर। अब दोस्तों जो लिस्ट हुआ है वो प्राइस है 6995 के ऊपर, यानी कि 6995 रुपीज में। और दोस्तों इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है कुछ 7445 रुपीज। तो दोस्तों कुछ प्राइस कम शो किया गया, शायद इंट्रोडक्टरी जो ऑफर्स वगैरह हुई है वो लगाए होंगे इन्होंने। तो दोस्तों जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं अमेजोन वगैरह के ऊपर आप जाके ले सकते हो। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी चीज बताऊं आपको, ये जो हेडफोन है ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ में बने हैं। दोस्तों ये एक बहुत प्लस पॉइंट कहूंगा मैं इस हेडफोन के बारे में, तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं इन्हें कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला अपडेट बता दूं आपको निकल के आ रहा है सोनी की तरफ से, और सोनी ने आज अपने WF-C500 TWS दोस्तों ये ईयरबड लॉन्च कर दिया आज इंडिया में, और इनका प्राइस रखा है 5990 रुपीज का। और दोस्तों ये जो ये TWS आते हैं इनके अंदर आपको 20 आवर्स का बैकअप मिल जाता है। अब दोस्तों बता दूं जो ईयरबड्स हैं उनके अंदर 10 आवर्स का, और केस के साथ में 10 आवर और बढ़ जाते हैं, तो 20 आवर का टोटल बैकअप मिल जाता है आपको। और दोस्तों ये जो आते हैं ये आते हैं IPX4 की रेटिंग के साथ में, यानी कि वाटर स्प्लैश प्रूफ वगैरह तो ठीक ठाक है दोस्तों, जो स्वेट प्रूफ वगैरह आपको मिल जाएंगे, ज्यादा एकदम वाटर प्रूफ तो नहीं कहेंगे। और दोस्तों यहीं पे अगर मैं बात करूं इनके कलर्स की, तो काफी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों 16th of January को ये सेल पे जाने वाले हैं, तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं वही ना कर पाएंगे। और दोस्तों आप बता दो वीयू की तरफ से आज उनका 75 इंच का QLED TV दोस्तों प्रीमियम टीवी है ये, लॉन्च हो चुका है इंडिया में, एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है दोस्तों। इसके अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट है, 40 वॉट के 4 आपको स्पीकर मिल जाएंगे इसके अंदर। और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो रखा गया है 1,19,999 रुपीज का। दोस्तों ये जो आता है ये आता है करंटली लिस्ट हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और दोस्तों इसके अंदर आपको 4K HDR QLED HDR10 का सपोर्ट है। और दोस्तों अभी काफी सारे स्पोर्ट्स वगैरह हैं। अब दोस्तों बता दूं आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, और दोस्तों इसके अंदर HDR टेक्नोलॉजी भी यूज की गई है। दोस्तों ये जो टीवी है ये MEMC को भी सपोर्ट करता है, ये कि मोशन स्मूथनेस को। दोस्तों इसकी हेल्प से आप इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज तक यूज कर सकते हो। दोस्तों ओवरऑल टीवी बहुत जबरदस्त है और फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं, तो जो भी लोग इन्हें ट्राई करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और दोस्तों एक फोन और वो आया लॉन्च आज इंडिया में दोस्तों, ये है वीवो की तरफ से Y33T। दोस्तों ये फोन आता है 6.58 इंच की डिस्प्ले के साथ में और Qualcomm Snapdragon 680 के साथ में। दोस्तों फोन सही है आपको बता दूं, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और रियर साइड में 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। दोस्तों 2 मेगापिक्सल के तो बस यूं ही जोड़ देते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन है। और दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर आपको 6GB की रैम मिलेगी, 128GB की स्टोरेज मिलेगी, एंड्रॉइड 11 बेस्ड है दोस्तों, अभी भी फोन जो है एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही आ रहे हैं, और 5000 mAh की बैटरी है। तो दोस्तों फोन सही है ओवरऑल, और ये काफी मिलता जुलता है जो थोड़े दिन पहले Y21T लॉन्च हुआ था, तो दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं वो इसे कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों एक और फोन आ रहा है जल्दी ही इंडिया में दोस्तों, ये होने वाला है ओप्पो का A16K। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका जो प्राइस होगा अराउंड 10,300 रुपीज के हिसाब से होगा, क्योंकि फ्लिप में उसका उतना ही प्राइस है। तो दोस्तों देखते हैं इंडिया में आके कितना होता है, कम होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों फोन जो है वो मैं कहूंगा ठीक ठाक फोन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लो बजट का फोन है दोस्तों, और ज्यादा ओप्पो जो है उसमें नहीं देता है कुछ, फिर भी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों यही बता दूं आपको, अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है Volkswagen की तरफ से दोस्तों, Volkswagen की ID.biz। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये काफी जबरदस्त होने वाली है, Volkswagen की तरफ से इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, लॉन्च होने वाली है, या फिर इसका प्रीमियर होने वाला है वर्ल्ड वाइड प्रीमियर 9th of March को। अब दोस्तों देखना यह है कि क्या ये इंडिया में आती है या नहीं आती है। वैसे दोस्तों आप बता दूं ये जो है कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर जो है काफी सारे नए फीचर्स वगैरह डाले गए हैं। अब दोस्तों देखते हैं गाड़ी जब आएगी तो पता चलेगा। और दोस्तों यही आपको बता दूं, स्कोडा की तरफ से स्कोडा की कोडैक का फेसलिफ्ट होना था, आज वो हो चुका है इंडिया में लॉन्च, और दोस्तों इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 34,99 रुपीज से। दोस्तों जो नए प्राइस है वो मैं यहाँ पे लिस्ट लगा देता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। और दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा 2.0 लीटर का TSI इंजन, और जो कि 190 HP की पावर प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों स्टाइलिंग वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज किया है, या फिर स्पोर्ट लाइनिंग में, तो जो लोग ट्राई करना चाहते हैं जी हाँ बुक करना चाहते हैं वो इसे कर पाएंगे। और दोस्तों मारुति की तरफ से एक गाड़ी और CNG में लॉन्च होने वाली है दोस्तों, 2022 के अंदर जो ब्रीजा आने वाली है उसका एक CNG का वेरिएंट भी होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K
K15B इंजन मिलेगा। दोस्तों ये सीएनजी इंजन होते हैं मारुति की तरफ से। और दोस्तों बता दूं ये जो इंजन होने वाला है ये मतलब काफी अच्छी पावर प्रोड्यूस कर देगा। पर दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो ब्रीजा का फेसलिफ्ट होने वाला है, कहा जा रहा है कि फेसलिफ्ट और ये सीएनजी वाला वेरिएंट ये दोनों एक साथ ही लॉन्च करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली अब ये कब आ रहे हैं, क्योंकि आज सीएनजी वाला वेरिएंट जो है वो पता चल चुका है कि आने वाला है और फेसलिफ्ट जो है हम पिछले साल से कह रहे हैं, तो जल्दी ही दोस्तों ये आएंगे, अब देखते हैं। और दोस्तों बता दूं कावासाकी जेड सीरीज इसका जो है 50th एनिवर्सरी चल रही है और दोस्तों इनकी स्पेशल बाइक्स आएंगी। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों बाइक को, इसके अंदर गोल्डन लाइन है और ऊपर साइड में रेड कलर और नीचे ब्लैक कलर में। अब दोस्तों बता दूं इंडिया भी इंक्लूडेड है, इंडिया में भी ये लिमिटेड एडिशन आएगा। अब दोस्तों मैंने को नहीं पता है कि लिमिटेड है या नहीं है, पर ये एडिशन जो है आने वाला है इंडिया में भी, और देखते हैं दोस्तों कि क्या प्राइस में कुछ हाइक होता है या नहीं होता है। वैसे दोस्तों बता दूं यामाहा जो FZX है इसका भी प्राइस बढ़ चुका है दोस्तों आज, और दोस्तों ये जो बाइक है अब आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, 2000 रुपीज इसका प्राइस बढ़ाया गया है। तो जो भी लोग अब इसे ट्राई करेंगे उनको 1,26,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये प्राइस वगैरह तो बढ़ती रहते हैं, न्यू ईयर तो प्राइस बढ़ाओ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी अपडेट्स होते हैं एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।